आप देख रहे जेएन आई न्यूज, मैं वाई सिली। इस वक्त मैं मौजूद हूं जिला बस्ती के ब्लॉक रामनगर के अंतर्गत ग्राम करौता में। आप सभी को फिर एक बार में दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि आम जनता के बीच में हमारी टीम जा रही है डोर टू डोर और आम जनता की राय और मशवरा को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है कि इस बार आम जनता किसको चुनना चाहते हैं, इस बार किसकी सरकार बनेगी। आइए हम आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं कि हमारे सामने देख रहे हैं कि एक किसान बैठे हैं जो कि ये लहसुन है ना, लहसुन का ये छटाई कर रहे हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं, आप खड़े हो जाइए। आपका नाम क्या है? मोहम्मद हुसैन। आप कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम करौता। ग्राम करौता। ब्लॉक आपका? रामनगर। रामनगर। विधानसभा आप क्या है? पुरधौली। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आपने अपना नाम बताया मोहम्मद हुसैन। हाँ। मोहम्मद हुसैन साहब, इस बार क्या आपको लग रहा है कि किसकी सरकार? भाजपा की सरकार उम्मीद है कि थोड़ा बने। अच्छा, भाजपा की सरकार आप कह रहे हैं। आपका नाम तो मोहम्मद हुसैन है, लेकिन फिर आप कैसे सपोर्ट कर रहे हैं भाजपा को? अरे भाजपा का सपोर्ट करी थे, हमें आवास मिला है, शौचालय मिला है, पीएम किसान के आला 2000 मिला था, पेंशन मिला थी, 60 साल का पेंशन मिल रहा है। हाँ, हम ये देख रहे हैं कि आपका घर तो ये टूटा फूटा हुआ, फिर भी आप आवास कह रहे हैं कि हमको मिला है? आवास नहीं मिला है जी। आवास जो है पिछला प्रधान जो था, हम सूची में पैसा आवास है, हमारा नाम कटा दिया जी, नहीं मिल पाया पैसा। क्या आपको उम्मीद है कि आपका फिर आवास मिल सकता है या नहीं? भाजपा सरकार है तो मिल सकता है, उम्मीद रखे हैं कि आई तो सरकार को मिल जाए। मिल जाएगा आपको? हाँ। आपको ये उम्मीद लग रहा है कि आपको भाजपा सरकार रहेगी तो आपको फिर ये आवास मिल जाएगा? हाँ। अब ये दूसरा सवाल हम ये आपसे जानकारी करना चाहते हैं कि क्या आपको ये जानकारी है कि आपके बस्ती से भाजपा, आप भाजपा कर रहे हैं, भाजपा की सरकार आएगी, लेकिन भाजपा से प्रत्याशी कौन बनाए गए हैं कि आपको जानकारी है? हरीश द्विवेदी। हरीश द्विवेदी साहब, क्या उनको आप पहचानते भी हैं? पहचानित हैं जी, पहचान रहा हूँ। क्या उनसे उम्मीद आपसे है? उम्मीद का पहचानित हम बराबर वन है। अच्छा, क्या इस बार लग रहा है उनको? जीतेंगे वो, जीतेंगे। हम ये देख रहे हैं कि आप ही कहीं से रुधौली विधानसभा से 309 से कि राजेंद्र प्रसाद चौधरी जो कि विधायक हैं समाजवादी से कहे जा रहे हैं, और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन से आपके इसे बस्ती में प्रत्याशी उतारे गए हैं, क्या उनका नाम आप जानते हैं? राम प्रसाद। क्या उनका क्या इधर माहौल है? माहौल है लेकिन है जीती भाजपा। अच्छा। हाँ, भाजपा ही जीतेगी। आगे की अपडेट आप तक पहुँचाने की मैं कोशिश करूँगा जी। बताइए, गाँव गाँव पानी की सुविधा मोदी कितना की दी? जी जी। हाँ, काम बहुत बढ़िया हो रहा है। आप अगर आपको और कोई दिक्कत कोई समस्या हो बस तो आप आवास वाला खाली, और अगर आपको कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो आप बता सकते हैं? नहीं, और कोनो दिक्कत नहीं, आवास ही है हमारा वाला है समस्या जी, की आवास पिछला प्रधान हमारा कटवाए दी, और जब जाओ ब्लॉक ब्लॉक पर तो कहा था कि सूची में नाम नहीं है, सूची में नाम नहीं है तो आवास नहीं मिल पावत है। आगे की अपडेट आम जनता से बातचीत करके आप तक मैं पहुंचाने का कोशिश करूंगा। आप देख रहे हैं जेएनआई न्यूज, मैं वारिस अली कैमरामैन अनवर मोहम्मद के साथ। आगे की अपडेट आप तक पहुंचाने की मैं फिर कोशिश कर रहा हूं कि आप देख सकते हैं कि मैं जहां मौजूद हूं, जहां खड़ा हूं, इस ग्राम सभा का नाम है गंदरियाना निकार। ये सीधा दोबोली चौराहे से, दोबोली चौराहा वाला जो रास्ता है सीधा आप बस्ती तक खींच हो जाएंगे। इसी रास्ते से हम गुजर रहे थे, फिर हमने देखा कि एक बुजुर्ग यहाँ है जो कि भूसा भर रहे हैं बोनी में। आइए इन्हीं से बातचीत करते हैं, इनसे अच्छा कोई राय मशवरा नहीं दे सकता है, नहीं बता सकता, क्योंकि किसान आदमी है और ये भूसा भर रहे हैं। आइए इन्हीं से बातचीत करते हैं कि इस बार किसकी सरकार? राम निवास। कहाँ के रहने वाले हैं? गंधेरिया नानकार। आप सामने के कैमरे के इसी गंधेरिया नानकार के रहने वाले हैं। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनेगी? सरकार 100% लग रहा है, 80% कि बीजेपी की सरकार बनेगी। आखिर क्यों, ऐसा कोई काम हो तो आप गिनाइए कि ऐसा कोई? हाँ, गिना रहे हैं। वर्तमान सरकार में जी ये हमारा देश बिल्कुल बहुत सबसे महत्वपूर्ण और विकसित देशों में गिना जाता है। दूसरी बात यह है कि घर घर शौच, महिलाओं के नाम से शौचालय दे दे करके महिलाओं का बहुत बड़ा सम्मान बढ़ा दिया, बहुत बड़ी इज्जत बचा दिया और सम्मान बढ़ा दिया। साथ ही साथ राशन कार्ड, गैस कनेक्शन, बिजली पानी सब कुछ दे दे करके इनकी इज्जत बढ़ा दिया है। दूसरी बात यह है
की रजिस्ट्री कराने जमीन की जाते हैं तो उसमें 5-7% जमीन रुपए की छूट रहती है, इसलिए कि आर्थिक स्थिति से ये भी मजबूत रहें। इनकी चल अचल संपत्ति में पुरुषों की तरह चल अचल संपत्ति में इनकी भागीदारी रहे, यह भी आर्थिक दृष्टि से मजबूत रहें। सब कुछ सुविधाओं को देखते हुए ये हम कह सकते हैं कि जैसे किसी कवि ने कहा है कि यत्र नार्य सूचंद रमते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है सम्मान होता है देवता रमते हैं। माननीय मोदी जी ने सब कुछ राशन कार्ड बिजली पानी और शौचालय आदि दे दे करके इस कथन को कि यत्र नार्य सूचंद रमते तत्र देवता, इस कथन को बिल्कुल प्रत्यक्ष दिखा दिया, प्रमाण दे दिया है। आप कोई पदाधिकारी हैं भाषण क्या? नहीं, पदाधिकारी नहीं है, लेकिन आते जाते हैं, किसान हैं, मीटिंग उटिंग अटेंड करते हैं जरूर। और ये भी है, हम जानते हैं आज सड़कों का जाल बिछा हुआ है जिससे हमारी जरूरत की चीजें जो हम विदेश में जाते थे, दूसरे शहर में जाते थे, आज हमको हमारे चौराहे पर मिल रहा है। क्या आपको क्या ये जानकारी है कि आपके बस्ती लोकसभा से चुनाव को लड़ रहे हैं? हाँ, श्री हरीश द्विवेदी जी लड़ रहे हैं। उनके बारे में कुछ आप बताइए जरा, कोई काम हुआ है? काम बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है, ट्रांसफार्मर लग गया है, एक लाइटिंग का काम हो गया है, बहुत बहुत कुछ काम मिल गया है, काम हो रहा है। आप देख रहे हैं JNI न्यूज, मैं फुबारी सिंह। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिला बस्ती के ब्लॉक रामनगर के अंतर्गत ग्राम पुसैल में। इसी रास्ते से हमारी टीम गुजर रही थी, हमने देखा कि एक किसान है जो कि मेहनत कर रहे हैं, ये फसल कटा हुआ गेहूँ का बोरे में भर रहे हैं। तो आइए इन्हीं से हम ये बातचीत करते हैं, इस बार किसकी सरकार बनेगी, आप किसकी सरकार को पसंद करते हैं? नाम विजय प्रताप। आप कहाँ के रहने वाले हैं? ग्रामपुर पुसैल जिला बस्ती। जिला बस्ती के रहने वाले हैं। आपका पला ग्राम ही नगर है। हम देख रहे थे कि आप बहुत मेहनत किए, रास्ते से हम लोग जा रहे थे तो हमने सोचा कि आपसे एक छोटा सा एक सवाल पूछ लें, किस बार किसकी सरकार? हमारे मोदी जी का। मोदी जी का, आप कैमरे सामने पर देखिए, इस बार मोदी जी का सरकार आप कह रहे हैं? हाँ। आखिर ऐसा क्यों लग रहा है, क्या कि फिर सरकार बने? मोदी जी के सरकार में देखिए सर, जो है सारे काम हो गया है जी। पहली बात तो जो है बॉर्डर हमारा सुरक्षित है जी, और उसके बाद में जो है मतलब जितनी सेवाएं हैं, पब्लिक पा रहा है, आवास है, उसके बाद में योजना है, सब सिलेंडर है, और उसके बाद में मिलिट्री वाले जो है जितने हैं सब पक्ष है बेचारे जो है जी जी। हाँ, पूरी दुनिया आज मोदी जी गुणगान करती हुई है। अच्छा, ये और कुछ यहाँ हमारे युवा भाई हैं जो कि अभी आराम कर रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? सुनील नाम है। हाँ, आप कहाँ के रहने वाले हैं? यही तुसाल। तुसाल के रहने वाले हैं। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार? मोदी की। मोदी जी की सरकार, क्यों ऐसा क्या लग रहा है आपको? उसने मोदी जब से आए, जब से चारों तरफ से बना रखा है, कोई दिक्कत नहीं दी, बना रखा है। भैया कहना मतलब है कि हर एक चीज को उन्होंने बना के रखा है, हर एक चीज, कोई दिक्कत। और आगे आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? संदेश कुछ नहीं, जैसा बना वैसे चले, काम बना के रखा है, मतलब बॉर्डर से लेकर मोदी सरकार। आगे की अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आप देख रहे हैं JNI न्यूज, मैं हूं वारिसली, कैमरे में अरुण अहमद के साथ।